पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ताई जी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। ताई से सीधे बात करते हैं। ताई, एक दौर था राजनीति के सत्ता का केंद्र ताई इंदौर को माना जाता था। जब आप पहली बार चुनाव लड़ी थी, आप यहां से 8 बार सांसद रहे, लोकसभा स्पीकर आप यहां से इंदौर से गए, उस वक्त की भी राजनीति को आपने देखा है, वर्तमान की राजनीति को देखा है, जब इंदौर में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है, ताई कैसे देखते हैं इसे? देखो, एक तो ये पार्टी वालों की मेहनत है। पहले तो पूरे भारत में एक स्थिति थी कि जनसंघ में तो बहुत ही तकलीफ थी। जनसंघ की शुरुआत थी, लोग बोलते थे तुम्हारा दीपक क्या करेगा, कितना जलेगा एक दीपक। फिर जैसे भारतीय जनता पार्टी भी बनने के बाद कठिनाइयां तो थी, मगर भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ से लेकर आज तक संगठन मजबूत है, पद्धति काम करने की सांगठनिक है, और इसलिए संगठन बढ़ता चला गया। इंदौर में भी अगर शुरू शुरू में देखो तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी। कोई मेहनत करते थे, कभी विधानसभा जीतते थे, कभी नहीं जीतते थे। फिर धीरे धीरे हमने कॉरपोरेशन जीती थी उस समय, तो धीरे धीरे चलता था, काम तो अच्छे से चलता था। तो पहली बार जब हम लोकसभा के लिए मैं खड़ी हो गई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी लोकसभा नहीं जीती थी, ये बात सत्य है। मेहनत बहुत करते थे मगर कहीं ना कहीं कम पड़ते थे। लेकिन पहली बार 89 में हम लोकसभा जीते, तब कांग्रेस का बड़ा ये था, यहाँ पे दबदबा था, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी, चली आ रही थी एक प्रकार से। हमारी बनी तो भी 1 साल 1.5 साल बनी, फिर कांग्रेस की बनी। तो ये बात सही है कि स्थिति हमारी कमजोर मानी जाती थी, मगर हम लोग अंदर से कमजोर नहीं थे, मजबूत थे, इरादे मजबूत थे, तो लड़ते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इंदौर की स्थिति ऐसी बनाई, कोई भी सामने आ जाए इंदौर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस हमारी मेहनत को जोड़ मिली अटल जी का, जो मेहनत थी अटल जी प्रधानमंत्री बने उस समय का काम, और बाद में नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है उसने तो 4 चांद लगा दिए। तो आज की तारीख में हमारी ये स्थिति आ गई है कि जैसे सामने कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा, यहाँ तक हमने स्थिति ला के रख दी है। तो ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। दिल्ली में या मध्य प्रदेश में पटवा जी जैसे नेता हमें मिले, ठाकरे जी जैसे संगठक मिले, तो ये सब स्थिति जो आती गई उससे हम मजबूत होते गए। तो आज की तारीख में भी परिस्थिति हमारे लिए अच्छी है, हर हालत में हम जीतने वाले हैं। अक्षय कांति बम अचानक से कांग्रेस छोड़ते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, नाराजगी नजर आ रही है जनता के बीच में ताई। अब मालूम, एक तो मालूम अक्षय बम ये कोई बहुत बड़े नेता तो है नहीं, सच मानो तो जी। क्योंकि हमने जो चुनाव लड़े प्रकाश चंद सेठी से लेके महेश जोशी करके, अच्छे अच्छे नाम उस समय थे, तो वो देखा जाए तो ऐसे कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन ठीक है, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब वो क्यों आए बीजेपी में, क्या है, आवश्यकता तो हमें नहीं थी, हम तो जीत ही रहे थे, मगर आए क्यों, आए क्या है? मुझे मालूम नहीं। मैं आजकल घर पे बैठी हूँ और इसलिए ना मैं कोई पदाधिकारी हूँ, कुछ नहीं। संगठन में बुलाए तो उतना जाती हूँ, काम नहीं करती, ऐसा नहीं समझ में आया कि क्यों आए, क्यों लिए गए, क्या आवश्यकता, तो कुछ नहीं थी, हम तो जीत रहे थे। मगर ठीक है, अब लिया तो संगठन देखे। हमें तो एक मालूम है, हमारा नेतृत्व मजबूत है माननीय मोदी जी का जी। हमें एक बात मालूम है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है शुरू से आज तक मजबूती से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो कमल का फूल अटल खड़ा है मैदान में जी। हमें एक बात मालूम है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो भी अच्छा है, वो डिगा हुआ नहीं है। पहले भी था, पहले भी 5 लाख से जीता था, और अब भी इससे ज्यादा जीतने की उम्मीद से हम बैठे हुए हैं।
तो और उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि वो डगमगाए, अच्छा उम्मीदवार है। तो हमारी सब बातें मजबूत हैं, तो हमें जीतने में कोई कठिन नहीं। कांग्रेस ताई नोटा के लिए प्रमोट कर रही है लोगों को, नोटा की अब बात सामने आ रही है कि जनता नाराज है नोटा की तरफ। अब देखो ये तो कांग्रेस की पॉलिसी है, कांग्रेस को पूछो, उनकी जो हर पार्टी अपनी पॉलिसी तय करती है ना। मैं तो हमारे वोटर को कहना चाहूंगी, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, मैं कहना चाहूंगी कि हमने कोई हमारा पांव डिगाया नहीं है, हमारा नेता मजबूती से है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारा कमल का फूल मैदान में है जिसको आप वोट देते आए हो सालों साल से, हमारा प्रत्याशी जो है शंकर ललवानी अच्छा प्रत्याशी है, गए समय भी आपने उसको जिताया था, आज भी वो किसी भी तरीके से डगमगाया नहीं है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो तीनों बातें हमारे फेवर में हैं, जैसे आप चाहते हो जैसे जनता चाहती है वैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से मैदान में खड़ी है जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देना, नोटा का सवाल ही नहीं आता, कमल का फूल आज भी हमारा ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। एक आखिरी सवाल छोटा सा, कुछ बयान सामने ऐसे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से एक बयान सामने आया प्रधानमंत्री जी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कि इनके खिलाफ वोट जिहाद करो। मारिया आलम खान वो कह रही है कि जिहाद जैसे शब्द तुम सुन लो जी। चुनाव में चलता रहता है, कोई भी कुछ भी बोले बोले, जो बोलेंगे उनको हमारे प्रवक्ता है हमारे भाषण देने जो दे देंगे, ये तो चुनाव में राजनीति में चलता रहता है। ये थी हमारे साथ में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, उन्होंने कहा कि बयानबाजी जो है वो राजनीति में चलता रहता है, लेकिन उन्होंने खुलकर इंदौर की राजनीति में जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट डगला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।